हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए गाइस, सुबह सुबह का टाइम है, एकदम अर्ली मॉर्निंग है। यहाँ पर बना रही हूँ मैं अपना विनेगर वाला पानी। और एक सिस्टर का कमेंट आ रहा था कि दी अपना एप्पल साइडर विनेगर दिखाना कौन सा है। तो देखिए सिस्टर, ये वाला है मेरा, पतंजलि का है, काफ़ी अच्छा है। रेट भी उसके बहुत ही अच्छे हैं, 130 रुपये का है। तो ये ना मेरी दूसरी बोतल है, मैंने एक बोतल इसकी पी ली है और बस ये मैंने दूसरी मंगाई है। तो गाइज मैं इसको बैठकर पी लूँगी आराम से। सुबह सुबह ये मैं खाली पेट लेती हूँ एक गिलास, बहुत तेज़ सा पानी, मतलब एकदम ठंडा भी ना हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो। तो बस यहाँ पर मैं अपना बना लूँगी अब सौंफ वाला पानी। आधे घंटे के बाद मैं लेती हूँ अपना सौंफ का पानी। आजकल मैं सौंफ वाला ले रही हूँ। तो इसके ऊपर भी एक कॉमेंट आया था कि दी क्या आप रात में भिगा के रखते हो क्या? तो नहीं जी, मैं ना रात में भिगा कर नहीं रखती हूँ, मैं ना भूल जाती हूँ। तो बस मैं ना सुबह में ही इसको 1.5 गिलास पानी लेती हूँ मैं, और 1 चम्मच सौंफ डालकर इसको इतना पकाती हूँ जब तक ये 1 गिलास ना रह जाए, और बस फिर मैं उसको छान कर पी लेती हूँ। इसको भी मैं ना तेज़ तेज़ ही पीती हूँ। इसको ना तेज़ ही पीने से फ़ायदा है, अगर आप ठंडा पियोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइज यहाँ पर ना आज मैं सुबह ही सुबह लगी थी इस काम में, मैंने कहा चलो आज इसको निपटा देती हूँ। जो ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े हैं ना, बस मैं वो रख रही हूँ अभी। बाकी अभी यहाँ पे ठंड है तो इस वजह से मैंने रखे नहीं हैं, क्योंकि बारिश हो जाती है ना तो फिर बस पता नहीं चलता, कम में को एकदम ठंड हो जाती है। तो बस जो ज़्यादा ही मोटे थे ना वो मैंने रख दिए हैं, और यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है। बस मैं कर रही हूँ अपने कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि आज मुझे जाना है परी की पीटीएम में। आज परी का रिजल्ट मिलेगा और देखेंगे क्या करके आई। तो देखिए गाइज, नहाकर आ गई हूँ मैं और बाल बांध लिए हैं। और ये देखिए गाइज, एक खुशी की बात है, जब मैंने ये ली थी ना, डबल एक्सल ली थी, और ये भी ना मुझे टाइट आ रही थी उस टाइम, लेकिन डबल एक्सल से ज़्यादा फिर साइज मंगाने में मैं वो करती थी। पर डबल एक्सल में मंगाती थी ना तो मुझे वो बहुत ज़्यादा टाइट होता था, और मैं सोचती थी कि थोड़ा सा ढीला ही मंगाऊँ ताकि मुझे ढीला आए और मैं फिटिंग कर लूँ। लेकिन उस टाइम मुझे डबल एक्सल आता था। और अब देखिए गाइज, इसमें ना फिटिंग होनी है, लेकिन मैंने ऐसे ही पहन ली है। और परी बोल रही थी मम्मी आप ना इसको पहन के बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हो, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा लूज सी हो रही थी। तो मैं ना इसमें फिटिंग करूँगी आने के बाद में। टाइम 11:45 हो रहा है, खत्म होने वाली होगी बात। कहीं नहीं होने की ख़त्म भाई, इतनी जल्दी नहीं होने की है। धूप बड़ी तेज हो रही है। ऑफिस में ही हो रही है बेटी, ऑफिस में ही हो रही है उधर ही। हेलो, तो गाइज परी का रिजल्ट मिला है, गोलू का नहीं मिला है अभी। और ये देखो, इस बार ना मार्क्स इतने कम आए हैं ना इसके, बहुत ही ज्यादा। ये ना हमेशा फर्स्ट या सेकंड जरूर आती थी, लेकिन इस बार ना इसकी कोई पोजीशन नहीं आई, कोई भी। खेल में रहती है, जल्दबाजी इतनी कर रखी थी ना पेपर में। मैडम बोल रही है कि लिख रही सही, मतलब आंसर ठीक है, लेकिन राइटिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रखी है। 79% आई है बस इसकी। आज से खेलना कूदना बिल्कुल बंद, ठीक है? खेल में पहले जब भी छोटी थी ना, हमेशा फर्स्ट या सेकंड जरूर आती थी, लेकिन अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, बिल्कुल वो हो रही है। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए चाय, क्योंकि बच्चों को खाने थे चाय और बंद, और नाश्ता वास्ता कुछ नहीं हुआ था। बस मैं ऐसे ही चली गई थी, क्योंकि 10:30 बजे तक का जाना था, मैं तो फिर भी 10:30 बजे गई थी। वैसे पीटीएम 10 बजे से स्टार्ट हो गई थी। तो बस मैं अपने लिए कर रही हूँ फ्रूट, खरबूजा रखा था, मैंने कहा चलो इसको काट लेती हूँ, और थोड़ा सा पपीता खा लूँगी मैं, चाय तो नहीं पीऊँगी। तो बच्चों ने चाय बोला तो मैंने उनके लिए चाय बना रही हूँ यहाँ पर। वे बंद बहुत शौक से खाते हैं चाय और बंद, दूध से मैं बोलती हूँ दूध से खा लो, लेकिन उन्हें ना चाय से ही अच्छे लगते हैं। तो बस उनको चाय से बंद दे दूँगी और मैं अपना खरबूजा और पपीता खा लूँगी। देखिए गाइस, ये है मेरा नाश्ता, पपीता और खरबूजा काटा है मैंने, और भूख लगी है बहुत तेज। टाइम ना 11:45 हो रहे हैं, 12 बजने वाले हैं। बोलू चाय पी रहा है, मैंने कहा चलो आके ही करूंगी, पहले पीटीएम में चलते हैं। 10 से 11 बजे तक का टाइम था, लेकिन अभी चलती रहेगी 11:30 बजे तक का। चलो मैं खाती हूँ। तो
तो जी सारा काम करने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ एक सूट की कटिंग। आज ज़्यादा काम नहीं था, मैंने कहा चलो आज मैं सिलाई कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। तो देखिए मैंने सूट काट लिया है, बस उसकी बाजू काट लूँगी और फिर जाके मैं सिलाई करूँगी। और ये ना सूट काफ़ी टाइम का रखा था, उस दिन मैं काटने लगी थी लेकिन इस पर प्रेस करनी थी तो वो फिर भी रह गया था। तो बस मैं आज सोचा, मैंने कहा चलो इसको काट लेती हूँ। और अपना मैं सिलाई में थोड़ा आलस करने लगी हूँ। पहले ना मैं बहुत कपड़े सीती थी लेकिन आजकल मेरा मन नहीं करता है। मैं ना एक अगर सिलाई आ भी जाती है तो वो ना कहीं कहीं दिन तक ऐसे ही पड़े रहते हैं मेरे पास। तो अब सब बोलते हैं कि अब आप बहुत लेट कपड़े सीते हो। मैंने कहा मेरा मन ही नहीं करता है सिलाई करने का। पहले ना मैं बहुत ज़्यादा सिलाई करती थी, एक एक दिन में कहीं कहीं सूट सी देती थी, लेकिन अब नहीं। तो जी सूट हो गया है सिलकर तैयार, सलवार रह गई है। और बस मैं ना एक दिन में इतना ही काम करती हूँ, बाकी चाहे मेरे पास टाइम भी है लेकिन मैं और करती नहीं हूँ। बस एक दिन में ना एक ही कुर्ता या सलवार ही बनाती हूँ। तो बस मैंने सूट भी सी दिया है। तो देखिए गाइस, दोपहर का खाना है ये मेरा, और आज ना रोटी परी ने बनाई है। ये देखिए कितनी अच्छी रोटी बनाई है मैंने ना। परी को आटा भी गूंदना सिखा दिया है और रोटी भी आज ना उसने खुद ने ही सेकी है। मैं तो सिलाई कर रही थी तो बस उसने आटा भी गूंद लिया है, तो रोटी भी सेक दी थी और सब्जी रखी थी जैसे कि, बस इस वजह से मैं सिलाई में लगी थी आज। और दोपहर के 2 बज रहे हैं और खीरा ले लिया है, दही और तोरी की सब्जी। तो चलिए गाइस मैं खा लेती हूँ। और एक सिस्टर का ना ये कॉमेंट आ रहा था कि 32 बार क्या है, शायद उनको नहीं पता होगा 32 बार क्या है। तो सिस्टर 32 बार ये है, 32 बार अगर आप खाना चबाकर खाओगे ना तो 32 बार चबा के खाने से ना आपका वजन कम होगा और आपका ना वेट बहुत अच्छे से कम होगा, बिना कोई डाइटिंग के, बिना कोई एक्सरसाइज के। बस आपको ना 32 बार आप कुछ भी खा रहे हो उसको 32 बार चबाकर खाना है और फिर देखना आप जादू 32 बार का जादू देखना आप। 10 से 15 दिन करो, आपका वजन एकदम कम होगा, ठीक है। अगर आप भी करना चाहते हो तो आप भी कर लेना। तो चलिए गाइस मैं तो खाती हूँ, मुझे लगी है बहुत तेज भूख। सब्जी कैसी लग रही? अच्छी लग रही। रात बनाई थी मैंने तोरी की सब्जी, लेकिन मैंने खा के नहीं देखी थी, रात भी नहीं खाई थी मैंने तोरी की सब्जी। खाना खाए ना मुझे 1 घंटा हो गया है और मैंने बना ली है अपनी ग्रीन टी। और देखो कभी तो इतनी कम बना देती है और कभी इतनी ज्यादा बना देती है, आज देखो कितनी ज्यादा बना दी है इसने। बाहर नहीं जाना है परी। और बस मैं ना अब ग्रीन टी पीकर थोड़ी देर आराम करूंगी, लेटूंगी। आजकल ना मैं सो जाती हूँ, आदत बन गई मेरी अब सोने की ना दिन में। तो बस मैं ताला लगाऊंगी गेट में और इसको अंदर करूंगी और फिर हम जाके थोड़ी देर लेटेंगे, फिर उठेंगे हम शाम को। तो चलिए जी ग्रीन टी पी। तो गाइस शाम का टाइम हो गया है और यहाँ मैंने बनाई है आज भेल पूरी। जैसे कि शाम को ना हल्की फुल्की सी भूख लगती है 5-5 बजे सी, तो बस मैंने भेल पूरी बना ली है आज। परी को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और परी की वजह से ही मैंने बनाई है, क्योंकि मैं इस टाइम ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ। लेकिन परी बोलने लगी मम्मी बना लो, मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। मुरमुरे भी रखे थे तो बस मैंने इसमें प्याज टमाटर काटा, एक प्याज टमाटर और थोड़ी सी नमकीन डाइट मिक्सचर डाली थी, जो वो लाइट रहती है ना वो वाली डाली थी। और गाइस यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने खाने की तैयारी, रात के खाने में बनाऊँगी आज मैं गोभी। कल से लाए थे ये, तो बस मैंने सोचा चलो गोभी बना लेती हूँ। और अपना गोभी में स्वाद नहीं आ रहा है, ये वाली गोभी मैंने बनाई थी अच्छी नहीं लगी थी, एकदम बस ऐसे ही लग रही थी। तो बस मैं गोभी काट लूँगी और खूब बड़ा फूल था ये, तो मैंने सोचा चलो सारी ही बना लेती हूँ, क्या इसको बचाऊँ। तो बस और गोभी से ना चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ना ये सोचती हूँ कि रात को चावल ना बनाऊँ, कोशिश करती हूँ कि रात को चावल ना बनाने पड़े मुझे। दिन में बना लेती हूँ लेकिन रात को थोड़ा सा वो करती हूँ। तो देखिएगा ये सब्ज़ी छोंक दी है मैंने और कुकर में ही मैं बनाती हूँ ज़्यादातर, तो मैंने ना इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, एक भी बूंद मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। बस ऐसे ही मसाला भूनकर मैंने आलू गोभी इसमें डाल दी हैं। और आजकल मटर आनी बंद हो गई है गाइस हमारे घर में, वैसे भी ज़्यादा नहीं आती थी लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं आ रही है।
तो सब्जी उधर हो गई है, थोड़ा सा पानी था तो बस मैं उसका पानी फूंक दूंगी। और इधर मैंने सेक ली है रोटी, तो बस रोटी सेक कर फिर हम खाएंगे, क्योंकि इस टाइम ना भूख लग जाती है बड़ी जल्दी। और सबसे पहले मैं ही खाती हूँ इस टाइम अपने घर में खाना रात में ना, बाकी ये सब बाद में आते हैं, लेकिन बस मैं टाइम से खा लेती हूँ, क्योंकि अगर टाइम से खा लेते हैं ना तो बस थोड़ा घूम भी लो और फिर अपना सही रहता है सारा सिस्टम। तो देखिए मैंने खूब सारी सब्जी ले ली है आलू गोभी की, और एक रोटी ले ली है आजकल ना मैं बिना घी की रोटी ले रही हूँ, और सब्जी ली है खूब सारी। और जी खाना खाने के एक घंटा बाद मैं लेती हूँ अपनी मैजिकल ड्रिंक, जो कि वैली फैट के लिए बहुत ही बेस्ट है, तो बस मैं इसको भी पी लूँगी। और खाना खाने के एक घंटा बाद मैं इसको लेती हूँ, दाल चीनी की है ये, जो कोई वीडियो मेरी रोज़ देखता होगा उनको पता होगा। तो गाइज बस मैं इसको पीकर फिर मैं दूध वूध तो मैं नहीं पीती हूँ, मैंने बच्चों को सबको दूध भी दे दिया है, और बस मैं अब करूँगी आराम। तो चलिए जी मैं भी कल मिलूँगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।